हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिर चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ टेबल टेनिस के इतिहास के बारे में। दोस्तों, इसके पहले मैं फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन आदि खेलों के इतिहास के बारे में बता चुकी हूँ। इन सब के बारे में आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, गेमों की हिस्ट्री के बारे में हर एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही ऐड किए गए हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं टेबल टेनिस के इतिहास के बारे में। दोस्तों, टेबल टेनिस जो है एक इंडोर खेल है, और जैसे कि एक टेबल पर खेला जाता है। इसकी जन्मदाता जो है इंग्लैंड है, ठीक है। टेबल टेनिस के जन्मदाता इंग्लैंड है, और 19वीं शताब्दी के दूसरे मध्य में इसका विकास हुआ इंग्लैंड में। पहली बार जब टेबल टेनिस शुरू हुआ तो इसे कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि गोशीमा, हुवी फुवेफ तथा फ्लिम फ्लेम के नाम से इसे जाना जाता था। तो इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोशीमा, विफ वेफ तथा फ्लिम फ्लेम यह नाम किस खेल का नाम से जाना जाता था, तो टेबल टेनिस। दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है टेबल टेनिस की 1890 में डेविड फास्ट जो इंग्लैंड के थे उनके द्वारा किया गया। इन्होंने 1890 में पहला टेनिस का एक्शन गेम टेबल पर प्रचलित किया। यानी टेबल टेनिस की शुरुआत किसने किया? डेविड फास्ट ने। कब किया? 1890 में। ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के। और इंग्लैंड में इसका विकास किए, शुरुआत की 1890 में। एंड इन्होंने 1890 में ही पहला टेनिस का एक्शन गेम जो है टेबल पर प्रचलित किया। दोस्तों, इस टेबल टेनिस गेम का नाम पहले पिंग पोंग, यानी कि यह टेबल टेनिस गेम पिंग पोंग नाम से जाना जाता था। कब जाना जाता था? तो 1901 में ब्रिटिश के जक्स एंड सन्स लिमिटेड ने, यानी 1901 में ब्रिटिश के उत्पादक जे जंग्स एंड सन्स लिमिटेड ने इसको पिंग पोंग नाम दिया। तो पिंग पोंग नाम किस खेल को माना जाता था, यानी पिंग पोंग नाम से कौन सा खेल जाना जाता था पहले? तो टेबल टेनिस। एंड इसको टेबल पिंग पोंग से टेबल टेनिस नाम किसने दिया, कब दिया, कब दिया गया? तो 1920 में इस पिंग पोंग खेल का नाम टेबल टेनिस दिया गया। एंड इंग्लैंड के जेम्स डबल गिब्बस ने 1901 में टेबल टेनिस की अच्छी और लंबे समय तक चलने वाली सेल्यूलॉइड गेंद का आविष्कार किया। टेबल टेनिस के लिए अच्छे और लंबे समय तक चलने वाली सेल्यूलॉइड गेंद का आविष्कार किसने किया? तो इंग्लैंड के जेम्स डबल गिब्बस ने 1901 में। नेक्स्ट है, पहले पिंग पोंग एसोसिएशन का गठन हुआ। दोस्तों, जैसा कि पहले पिंग पोंग एसोसिएशन का गठन हुआ, जिसका नाम बदलकर 1926 में टेबल टेनिस एसोसिएशन रखा गया। पिंग पोंग एसोसिएशन का नाम ही टेबल टेनिस एसोसिएशन रखा गया। कब? 1926 में। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे टेबल टेनिस एसोसिएशन का गठन कब किया गया? तो 1926 में। एंड
1952 ईस्वी में विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, कहाँ पे हुआ? मुंबई में। ठीक है, 1952 ईस्वी में विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई में हुआ। दोस्तों ये पहली बार मुंबई में कोई प्रतियोगिता विश्व स्तर का आयोजित हुआ, यह किसी भी खेल की पहली विश्व प्रतियोगिता थी जो 1952 में विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई में हुआ, या किसी भी खेल की पहली विश्व प्रतियोगिता थी जिसका आयोजन एशिया में पहली बार हुआ। एंड नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, जैसे कि इसके जन्मदाता इंग्लैंड है, आप जान ही लिए। एंड विश्व की प्रथम प्रतियोगिता जो है टेबल टेनिस में 1921 ईस्वी में हुआ, विश्व की प्रथम प्रतियोगिता 1921 में हुआ, जबकि अभी मैंने बताया कि 1952 में विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई में हुआ था। यह किसी भी खेल की पहली विश्व प्रतियोगिता थी जिसका आयोजन एशिया में पहली बार हुआ। एंड विश्व की पहली प्रतियोगिता यानी विश्व की प्रथम टेबल टेनिस प्रतियोगिता 1921 में हुआ था। एंड कुछ इसके संघों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि विश्व टेबल टेनिस संघ की स्थापना, जैसे कि इसके पहले मैंने बताया कि पिंग पोंग एसोसिएशन का नाम 1926 में टेबल टेनिस एसोसिएशन रखा गया। उसके बाद विश्व टेबल टेनिस संघ की स्थापना भी 1926 में हुआ, विश्व टेबल टेनिस संघ यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ITTF, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसकी स्थापना 1926 में हुआ। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। एंड वर्तमान अध्यक्ष थॉमस विकल्ट जर्मनी के हैं। नेक्स्ट है एशियन टेबल टेनिस यूनियन ATTU का मुख्यालय जो है बीजिंग चीन में है। एंड भारतीय टेबल टेनिस संघ, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की स्थापना 1937 में हुआ, जैसा कि विश्व टेबल टेनिस की स्थापना 1926 में एंड भारतीय टेबल टेनिस की स्थापना 1937 में हुआ। और भारतीय टेबल टेनिस संघ यानी TTFI एंड टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष दुष्यंत सिंह चौटाला है एंड मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। दोस्तों टेबल टेनिस ओलंपिक में शामिल 1988 सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ, यानी कि टेबल टेनिस ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1988 सियोल दक्षिण कोरिया में। एंड एशियाई खेलों में कब शामिल किया? 1958 टोक्यो जापान में। ठीक है, 88-58 ऐसे याद कर लीजिए, 88-58 यानी 1988 में सियोल दक्षिण कोरिया में ओलंपिक में शामिल किया गया, और एशियाई खेलों में 1958 टोक्यो जापान में। दोस्तों 1958 में हॉकी भी एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। प्रथम अर्जुन पुरस्कार टेनिस में श्री जेसी बोहरा को दिया गया। एंड प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार आज तक किसी को नहीं मिला है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता की बात कर लेते हैं, जैसे कि विश्व पुरुष टीम प्रतियोगिता स्वेथलिंग कप है एंड विश्व महिला टीम प्रतियोगिता कार्बिलान कप है। विश्व पुरुष टीम प्रतियोगिता स्वेथलिंग कप टीम प्रतियोगिता, ठीक। अब विश्व महिला टीम प्रतियोगिता कार्बिलान कप ये हो गया। एंड विश्व एकल पुरुष प्रतियोगिता वो टीम प्रतियोगिता थी। एंड विश्व एकल पुरुष प्रतियोगिता सेंट ब्राइडवास कप है। एंड विश्व महिला एकल प्रतियोगिता डी जोस्ट कप। एंड विश्व पुरुष युगल प्रतियोगिता ईरान कप, दोस्तों ईरानी, ईरान यहाँ पे है, ईरान कप, ईरानी हो जाएगा, ईरानी तो आपका क्रिकेट में हो जाएगा। तो विश्व पुरुष युगल प्रतियोगिता ईरान कप, विश्व युगल महिला प्रतियोगिता WJ पोप ट्रॉफी। एंड विश्व मिश्रित युगल प्रतियोगिता हेदुस्टेक कप। तो दोस्तों ये था आपका ये अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता। एंड राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पुरुष टीम का बर्ना बिलाक कप, पुरुष एकल का पिठापुरम, महिला टीम का जयलक्ष्मी कप और महिला एकल का श्रावणकोर कप। तो दोस्तों ये था टेबल टेनिस के हिस्ट्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जिससे
आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी एलटी गेट की भर्ती आने वाली है 27,000, फिर से यूपी टीजीटी की भर्ती आने वाली है, इसलिए आप तैयारी पे लगे रहिए एंड कंटिन्यू इस चैनल पर बने रहिए। दोस्तों जितने भी टॉपिक्स छूटे हुए हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल आपको उसी तरह मिलेगा। जो भी टॉपिक छूटे हुए हैं, चाहे वो स्पोर्ट ट्रेनिंग हो, टेस्ट एंड मेजरमेंट हो, डोपिंग हो, चोटें हो एंड डोपिंग हो, इन सब के बारे में मैं बहुत ही अच्छे ढंग से वीडियो लाने वाली हूँ। इस टॉपिक्स यानी कि गेमों के इतिहास पूरा होने के बाद वो सब टॉपिक आपको डिटेल में मिलेंगे। दोस्तों बस बने रहिए इस चैनल पे, आपकी पूरी समस्याओं का हल यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू अपडेट आपको मिलते रहेंगे। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों ग्रुप एंड अदर ग्रुप में भेजते रहिए, जिससे आपके माध्यम से और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।